जिस तरह से तुम हमें चूसते हो ना, तरस टपकता नहीं है तो फिर बाढ़ आ जाती है, बाढ़, और हम तो उसमें बह जाते हैं। मुझे लगता है तुम मुझे चूस के खत्म कर दो मुझे। कहानी की शुरुआत रीना और उसके पति रवि से शुरू होती है। रवि अपने काम को लेकर बहुत ही बिजी रहता है, पर रीना एकदम अलग टाइप की लड़की है, यानी कि रोमांटिक लड़की है। तो वो अपना मन बहकाने के लिए रवि के साथ रोमांस करने लगती है, और वेब सीरीज के शुरुआत में ही सभी को बढ़िया वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है। सीन पूरे 10 मिनट का है और इन दोनों का रोमांस बड़ा ही प्यारा है। फिर अगले दिन रीना के घर की नौकरानी मुस्कान दिखाई देगी। ये जितनी शरारत करती है ना, उतनी ही हौसी नौकरानी है, तो इसको देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगले सीन में रीना की सबसे करीबी दोस्त वन्या फोन करती है और रीना को अपने पार्टी पर इनवाइट करती है, पर रवि काम की वजह से पार्टी में ना आने की बात कर रहा था, तो रीना भी नहीं आऊंगी ये कहती है, और इसी बात को लेकर वन्या बहुत ही नाराज हो जाती है। पर रवि की आज मीटिंग कैंसिल हो जाती है, तो वो रीना को फ़ोन करके तैयार होकर रहने के लिए कहता है, और ये बात सुनकर रीना बहुत ही खुश हो जाती है। इधर मुस्कान बाई खाना पकाते पकाते अपने आशिक प्रशांत को फ़ोन करती है और कहती है कि आज रात मालिक और मालकिन बाहर जा रही है, तो आ जाना हवेली पे घपाघप करने के लिए। वाजी मुस्कान रानी, जो भी करो फटाक से करो, ये उसूल है अपने मुस्कान रानी का। फिर रात को रवि घर पे आता है और रीना का गजब वाला अवतार देखकर वो तो पूरा चौंक जाता है, क्योंकि रीना ने कपड़े ऐसे लगाए हैं जिसके कारण रवि रीना पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसको गालियाँ देने लगता है और उसे दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहता है। इधर अपनी मुस्कान रानी नौकरानी से सीधा बंगले की मालकिन बन जाती है और बिल्कुल हीरोइन की तरह सज धज कर अपने मजनू प्रशांत के साथ रोमांस करने लगती है। मालिक के जाते ही ये तो अपने गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी है, और अब यहाँ पे शुरू हो जाता है मुस्कान और उसके आशिक का गजब वाला घपाघप सीन, जो पूरे 15 मिनट का है। ये दोनों घर पे ना होने का रोज मस्त फायदा उठाते हैं। आधी रात को पार्टी से वापस आने के बाद रीना और रवि के बीच में झगड़ा होने लगता है, क्योंकि पार्टी में रीना कुछ ज़्यादा ही वन्या के पति के करीब जा रही थी, और इसी वजह से रवि रीना पर बहुत ही गुस्सा है, और यही झगड़े वाली बात रीना अगले दिन वन्या को बताती है। तो वन्या रवि को मनाने का एक आइडिया उसके कान में बताती है, और घर जाने के बाद वही आइडिया रीना रवि पर इस्तेमाल करने लगती है, मतलब कुछ हटके टाइप वाला रोमांस। वन्या की बात को सीरियसली लेकर रीना रवि के साथ अलग टाइप वाला रोमांस करने लगती है, और सच में रवि को ये अंदाज बड़ा पसंद आ जाता है, जिसके चलते वो पुरानी बातें भूलकर मस्त टपाटप करने लग जाता है, और फिर से सभी को झक्कास वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलता है। इधर मुस्कान रानी जितना किचन में काम करती है ना, उससे ज़्यादा तो वो अपने आशिक के साथ नंगी नंगी बातें करती है, और इनकी बातें सुनकर बड़ा ही मज़ा आता है यार। अब कुछ देर बाद रवि अपने छोटे भाई तरुण को अपने घर पे लेकर आता है, जिसके पैर पे चोट लगने की वजह से वो लंगड़ा हो गया है। आज से पहले रवि ने रीना को अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए वो इसको देखकर शॉक हो जाती है। पर रीना को अब अपने देवर की सेवा तो करनी पड़ेगी ना, जिसके बाद रीना अपने देवर के लिए खाना लेकर जाती है। तो तरुण अपनी भाभी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर रीना बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तरुण घर वालों के ताने सुन सुनकर घर से भाग गया था, उसी बीच इसका एक्सीडेंट हो गया और ये लंगड़ा होकर यहाँ पर आ गया। तरुण की दुख भरी कहानी सुनकर रीना को अपने देवर पर बहुत ही तरस आता है, तो इनके बीच में ज़रूर कुछ होने वाला है। अब कुछ दिनों बाद रीना पेंटिंग करने लगती है, पर इससे तो ब्रश भी पकड़ना नहीं आता, तो देवर आके अपनी भाभी को ब्रश पकड़ना और पेंटिंग करना सिखाने लगता है, जहाँ पे तरुण अपनी भाभी को चिपक चिपक के सब समझाने लगता है, और कब दोनों के बीच प्यार वाली जंग भिड़ जाती है इसका पता ही नहीं चलता। भाभी और देवर दिन ब दिन रोज करीब आने लगते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में अब भाभी देवर का रिश्ता नहीं रहता,
क्योंकि तरुण को अपने भाभी से सच्चा वाला प्यार हो जाता है और वो सीधे रीना को बता देता है और रीना को भी तरुण के साथ कुछ कुछ होने लगा था, तो वो भी इसके प्रपोजल को रिजेक्ट नहीं कर पाती और हाँ बोलने के बगैर सीधे अपने देवर के साथ चुम्मा चाटी करने में लग जाती है। यही तो है सच्चे प्यार की निशानी, जो प्रूफ कर देती है कि सच्चा प्यार है। और वेब सीरीज के लास्ट में सभी को पूरा गजब वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 15 मिनट का है और भाभी देवर का रोमांस देखकर पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। इतना मज़ेदार है ये वाला सीन। और इसी रोमांटिक सीन के साथ देवर जी पार्ट 1 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मुझे इसकी स्टोरी ठीक ठाक ही लगी और इसमें सीन भी काफ़ी अच्छे नहीं है, तो मुझे ये वेब सीरीज उतनी भी अच्छी नहीं लगी है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।